created this world in the 6 days. परमेश्वर ने छह दिन में इस जगत को बनाया. Today we are here for a message. हम आज आपको यहाँ पर एक संदेश लेने आए हैं. God wants to talk to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है. The Bible says God created everything in the 6 days. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने छह दिन में इस जगत को बनाया. God created every person, everything through His word. परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया. Do you know one thing, dear people of God? क्या आप परमेश्वर के लोगों एक बात जानते हैं? If you have one minute, just listen us up. अगर आपके पास एक मिनट है तो इसे जरूर सुने. God wants to talk to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं. Every person in this world. जितने भी लोग इस संसार में हैं. Including me and you. मुझे और आपको मिले. Every person is a sinner. ये जो भी यहाँ पर है सबके सब पापी है. Every person is in the grip of sin. वो सबके सब पाप के गिरफ्त में है. People are under the anxiety. परमेश्वर लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है. Because of their job, because of their business. क्योंकि अपने काम की वजह से, अपनी चिंताओं की वजह से. Nobody is in peace. कोई भी शांति में नहीं है. Everybody is stressed out. कोई भी शांति में नहीं है. Today we have a message for you. हमारे पास आपके लिए छोटा सा संदेश है. Just relax your mind. अपने दिमाग को सिर्फ शांत करें. Just relax your mind. अपने माइंड को शांत करें. When you meditate. और सिर्फ चिंतन करें. In the word of God. परमेश्वर के वचन पर. God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा. God will give you peace. परमेश्वर आपको शांति देगा. Bible says. बाइबल बताती है. That God has a plan. परमेश्वर के लिए एक योजना है. परमेश्वर के पास. He sent His only Son. उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा. To die for us. वो हमारे लिए पापों के लिए मरने How के लिए. How you can go to the heavens? आप कैसे आप स्वर्ग जा सकते हैं? By receiving your salvation. अपने उद्धार को पाकर. How you can receive your salvation? कैसे आप अपने उद्धार को पा सकते हैं? Because everybody is a sinner. क्योंकि सबके सब यहाँ पर एक पापी है. Everyone will go to the hell. हम सब नरक में जाएंगे. How we can go to the heavens? हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? When we receive word of God. कैसे हम परमेश्वर के वचन को पा सकते हैं? What is the word of God? क्या है परमेश्वर का वचन? The word of God comes through the mouth of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है. This word of God, I'm telling you today. यही परमेश्वर का वचन मैं आज आपको बता रहा हूँ. What is the word of God? क्या है परमेश्वर का वचन? The word of God is Jesus Christ. परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है. He died for your sins. वो हमारे पापों के लिए मारा गया. He died for me. वो मेरे लिए मारा गया. And risen after 3 days. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. If you believe that you are a sinner. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप एक पापी हैं. And you are under the grip of sins. और आप आपकी गिरफ्त में हैं. God can save you, my brother. परमेश्वर आपको बचा सकते हैं मेरे भाई. You do not know when you will die. आप नहीं जानते कि आप किस समय मरेंगे. Maybe tonight or tomorrow or after some days or some years you will die. आज रात को या कल या आने वाले किसी भी दिन में. Maybe you are 50 or 80 or 35 or 20 or maybe under 20. आने वाले किसी भी 20 साल, 30 साल या 50 साल में. God wants to save your life. परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है. You will die one day. आप एक दिन मर जाएंगे. Your soul will depart your body. आपकी आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगी. And your soul will stand in front of God. और आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी होगी. And you will be under judgment. और आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे. If you are a sinner, अगर आप एक पापी हैं, you will go to hell. आप नरक में जाएंगे. But if you are not sinner, लेकिन यदि आप पापी नहीं हैं, you will go to heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे. But nobody is a sinner here. लेकिन कोई Everybody is a sinner here. यहाँ पर सब पापी हैं. Nobody is holy. कोई भी पवित्र नहीं है. So how you will go to the heavens? कैसे आप स्वर्ग में जाएंगे? Only one way. सिर्फ एक ही मार्ग है. Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ. I am the truth. मैं सत्य हूँ. And I am the life. मैं जीवन हूँ. If you believe today, अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं, that Jesus died for me. यीशु मसीह मेरे लिए मरा. And risen after 3 days. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. And today he is a living God. अब वो जीवित परमेश्वर है. He will save your life. वो आपके जीवन को बचा सकता you can receive your salvation. आप अपने उद्धार को पा सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट. ये किसी मूल्य में नहीं लिया Just जाएगा. receive today. सिर्फ इसे अपने अंदर I am sinner. कि मैं एक पापी हूँ. And I committed sins. और मैंने पाप किया है. And I want to be a child of God. मैं परमेश्वर का बेटा बनना चाहता हूँ. You have to confess. आपको ये सिर्फ अंगीकार करना है. I am a sinner. मैं एक पापी हूँ. And Jesus died for me. और यीशु मेरे पाप को मारा. And He made it up to today. He is coming today. He is coming, my brother. Oh, hey.
एक ही बात है. टुडे इज कमिंग माय ब्रदर. वो आज आ रहा है मेरे भाई. टुडे ही इज कमिंग बैक. वो आज आ रहा है मेरे भाई. बिफोर ही इज कमिंग. बिफोर उसके आने से पहले. इफ यू कन्फेस. अगर आप ये कन्फेस कर लेते हैं. आई एम अ सिनर. कि मैं एक पापी हूं. एंड जीसस डाइड फॉर माय सिन. और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया. एंड आफ्टर 3 days. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. गॉड विल सेव यू. परमेश्वर आपको बचा लेगा. गॉड विल स्पेयर योर लाइफ. परमेश्वर आपके जीवन को बचा लेगा. गॉड विल गिव यू सल्वेशन. आपको वो उद्धार दे देगा. डू यू वांट सल्वेशन इन योर लाइफ. आप उद्धार चाहते हैं. डू यू वांट टू गो टू हेवंस. क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं. डू यू वांट योर सिंस बी फॉरगिवन. क्या आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं. जस्ट रिपीट दिस प्रेयर आफ्टर मी. इस प्रार्थना को मेरे बाद करें. यू कैन टेल. यू कैन ओपन योर माउथ. अपने आप मुंह को खोल के कन्फेस कर सकते हैं. इस प्रार्थना को कर सकते हैं. फादर. पिता. थैंक यू. धन्यवाद. कम इनटू माय लाइफ. मेरे जीवन में आ. फॉरगिव मी. मुझे क्षमा कर. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. You died for my sins. तू मेरे पापों के लिए मारा गया. And risen after 3 days. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. Today you are a living God. आप जीवित परमेश्वर हैं. I confess you. मैं ये कन्फेस करता हूँ. I receive you. मैं आपको स्वीकार करता हूँ. As my Lord. और मेरे परमेश्वर. And Savior. मैं मेरे उद्धार करता. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. Beloved brothers. मेरे प्रिय भाइयों. Beloved brothers. मेरे भाइयों. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है. हम यहाँ पर किसी के धर्म को परिवर्तित करने नहीं आए. हम आपके जीवन को बदलने आए. आपके पास हम सिर्फ प्रेम संदेश लेकर आए. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो संदेश. परमेश्वर आपसे प्रेम. Why I am telling this message here? मैं आज आपको जरूर बता रहा हूँ. My Constitution of India. हमारे संविधान, भारत का संविधान. Article 26. Article 26. It says. हमें बताता है. Anybody. कोई भी. From any religion. किसी भी धर्म से हो, वो अपने धर्म का प्रचार करता है और वो किसी भी धर्म को अपना सकता है. हम इस कारण से यहाँ पर नहीं है. God sends me here. परमेश्वर ने हमें भेजा है. He wants to tell you. वो आपको बताना चाहते हैं. He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं. Everybody is a sinner. सबके सब पापी हैं. The one who is eating gutka. जो कोई भी गुटका खाता है. The one who is smoking. जो कोई सिगरेट पीता है. The one who has an eye on another woman. जो किसी दूसरी स्त्री पर अपनी आंखें रखता है. To the prostitute, जो किसी वैश्यगमन के पास जाता है. The one who is committing sins, वो किसी पापों में पड़ता है. Like murdering someone, वो किसी का खून करता है. Killing someone, अगर किसी के साथ बुराई करता है. Speaking lies, वो झूठ बोलता है. We can see so many shops are here. हम यहाँ पर बहुत सी दुकानों को देख रहे हैं. And every shopkeeper, सभी दुकानदार. When he sell his goods, जब वो अपनी चीजों को बेचता है. He says something another rate. वो कोई ना कोई रेट आपको बताता है. In the starting he says something some different rate. वो आपको आरंभ में कुछ अलग रेट बताता है. Then he says another rate. फिर वो कोई आपको कुछ अलग बताता है. That means he is lying. इसका मतलब वो झूठ बोलता है. The one who lies, he's a sinner. जो कोई झूठ बोलता है वो एक पापी है. You can go to heaven. और वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता. Anytime you can die. वो कभी भी मर सकता है. God wants to save your life. परमेश्वर आज आपके जीवन को बचाना चाहता है. If you receive Jesus in your life. अगर आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं. If you pray today. अगर आप ये प्रार्थना करते हैं. Jesus. यीशु. Come in my life. मेरे जीवन में आ. I want you. मैं तुझे चाहता हूँ. Receive you. मुझे तुझे पाना चाहता हूँ. Forgive me. मुझे क्षमा कर. God will cleanse you. परमेश्वर तुम्हें साफ कर देगा. God will heal you. परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देगा. God will deliver you. परमेश्वर तुम्हें उद्धार दे देगा. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Do you want me to pray for you? आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? Anybody who wants prayer today. कोई आप चाहता है कि आपके लिए प्रार्थना? If you want prayer, just raise your hand. अपने हाथ को उठा के बता दें. Anybody who wants prayer. कोई भी यदि आप में से चाहता हो कि आप प्रार्थना करें. Do you want prayer? Do you want prayer? क्या प्रार्थना चाहते हैं? Do you want me to pray for you? क्या आप चाहते हैं कि मैं? Do you want me to pray for you? क्या मैं चाहते हैं कि आप प्रार्थना? Do you want me to pray for you? Just lift up your hand. अपने हाथ को उठा ले सिर्फ. Lift up your hand. सिर्फ अपने हाथ को उठा ले. Close your eyes. अपने आँखों को बंद कर ले. Close your eyes. अपने आँखों को बंद कर ले. I'm praying. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Lift up your hand. अपने हाथों को उठा ले. Father. पिता. Just bless the person. भाई को इस बहन को bless कर. Everybody. Heal the person. ओ परमेश्वर चंगा करे. Who is sick? ओ जो ये कह रहा है. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. I give these souls. मैं इन आत्माओं को. The whole Nehru Place Market. पूरे Nehru Place Market in को. In your hands. तेरे हाथों में सौंपता हूँ. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. God bless you. Amen. You can clap your hands.